राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा का ढाबा में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एकदम हेल्दी सब्जी की रेसिपी। हम उसे चिचिंडा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चिचिंडा की सब्जी कई तरह से बनाया जाता है। पहला तरह से मैं जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पहले चिचिंडा को हम छील लिए हैं और छीलने के बाद ये देखिए छोटा छोटा पीस हम काट दिए हैं और इसको आप छोटा अगर थोड़ा सा बना रहे हैं तो अपने घर वाले तवे पे ही बना सकते हैं। हम ज़्यादा बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम चिचिंडा लिए हैं, चिचिंडा को हम छील लेंगे। चाकू पलट के छील सकते हैं क्योंकि ये दो तरह से चिचिंडा भी आता है। एक तो कच्चा होता है वो आराम से छिल जाता है तो कच्चा ही ले, क्योंकि नहीं तो ऊपर उस पर रेशा होता है अगर जो पका होता है और उसका सब्जी भी बढ़िया नहीं होता है। थोड़ा सा अगर छिलका इसमें से कहीं आपको दिखता भी है, हल्का फुल्का कहीं छूट भी जाता है तो उतना फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पता लगता है कि मुलायम है और इसका मुलायम का पक्का सबूत है जब आप काटेंगे इसको तो अंदर से बीज एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा। तो समझ लीजिए कि आपका चिचिंडा बिल्कुल ही मुलायम है। आप थोड़ा पीस छोटा बड़ा करके काट सकते हैं और आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा हम काट देते हैं। इसी तरह हम सारा चिचिंडा को हम छील लेंगे और छील के काट लेंगे। इसके ग्रेवी के लिए हमने 1 किलो टमाटर 1 किलो प्याज लिया है। सारा हमने छील के धो दिया है। धोने के बाद पानी बिल्कुल इससे निकाल लेंगे और इसका हम अंदर से जो बीज वाला पार्ट होता है अंदर से उसको थोड़ा सा खोखला करेंगे ताकि हम आराम से उसमें फिलिंग भर सकें। तो इस तरह से हम देखिए खाली कर रहे हैं और इसको आर पार खाली नहीं करें, थोड़ा सा पीछे बच जाए तो बढ़िया है। देखिए इस तरह से, देखिए इतना ही रहे तो बढ़िया है क्योंकि उधर फीलिंग हमारी जाकर रुक जाए इस तरह से। अगर आर पार आप इस तरह से कर देंगे तो फिर मसाला भरने में बहुत दिक्कत हो जाता है। एक तरह से लॉक है तो ये तो कोई बात, आगे पीछे का तो पीस का कोई बात नहीं है, लेकिन बीच वाला पीस को थोड़ा सा रहने दे कि ग्रेवी आपका जाकर रुकेगा। इधर हमने 1 किलो टमाटर 1 किलो प्याज लिया है। इसको भी हम बारीक बारीक काट देंगे टमाटर को और प्याज को भी छिलकर हम बारीक बारीक काट देंगे। इस तरह से हमने सारा पीस इस तरह से खोल दिया है। देखिए प्याज को बारीक बारीक हम काट दिए हैं, टमाटर भी काट दिए हैं और जो इसका अंदर का बीज का पार्ट है उसको भी हम निकाल दिए हैं। और यहीं पे हम पीस के मसाला डालेंगे। 2 टेबल स्पून जीरा है, 50 ग्राम लहसुन है और 20-25 काली मिर्च है। ये सारे को हम पेस्ट बनाएंगे इसका। यहीं पे हम मसाले में हमने दिया है 1 चम्मच लाल मिर्चा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और यहीं पे हम लिए हैं आमचूर पाउडर। गरम मसाला है आधा चम्मच और यहीं पे हम 2 चम्मच, ये सब टीस्पून में आपको हम बता रहे हैं। हमने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में ये लगभग 100 ग्राम रिफाइन ऑयल डाल दिया है और इसी में हम तड़का डाल रहे हैं जीरा सौंफ मेथी और तेजपत्ता। जीरा सौंफ मेथी और तेज पत्ता हमने डाल दिया है तड़के में। तेल हमारा गरम हो गया है और यहीं पे हम प्याज डाल देते हैं। हम इस वजह से बारीक बारीक प्याज काटे हैं कि हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है। बढ़िया से हम जब भी आप फिलिंग बनाएं तो फिलिंग के लिए तेल कम डालें। ज़्यादा तेल डालने से फिर फिलिंग भरने में दिक्कत होता है तो आप कम तेल डालें। हमने 1 किलो टमाटर प्याज के लिए 100 ग्राम दिया है और देखिए यहाँ पे हम आपको बीज दिखा रहे हैं कि इसका बीज बिल्कुल ही कच्चा है और प्याज को हम भूनने के बाद ये डाल देंगे फिलिंग के लिए। इसको हम भून लेंगे बढ़िया से। आप चाहें तो इसके पीसों को बारीक बारीक काट के डालें ताकि जल्दी भून जाए। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट के, और नहीं तो आप ऐसे भी काट इसको भून सकते हैं। इसको बढ़िया से भून लेंगे, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे इस तरह सारा। ये देखिए 3-4 मिनट हम
प्याज के साथ अंदर से जो हमने चिचिंडा का बीज और गुद्दा निकाल रखा था वो भी यहाँ डाल देते हैं, और उसके बाद हमने टमाटर भी डाल दिया है, और यहीं पे हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, जितना हमारी फीलिंग है उतना नमक डाल देंगे, और टमाटर को बढ़िया से प्याज टमाटर सबको बढ़िया से हम भूनेंगे। और यहीं पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये नहीं है, ये है जो हमने जीरा लहसुन और काली मिर्च ज्यादा उसका पेस्ट है, उसको हमने पीस के लिया है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हैं, और यहीं पे थोड़ा पानी डाल दिया है, और जो हमने मसाला लिया था उसको भी यहीं डाल दिया है, और मसालों के साथ बढ़िया से इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे भूज के एकदम, सारा बढ़िया सा गल जाए इसे, और ढक के हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट कम से कम भूनेंगे। ये देखिए हमारा 10 मिनट के बाद कितना बढ़िया फिलिंग बन के तैयार हुआ है, और भी इसको हमें इसमें जो भी थोड़ा सा पानी है उसको बिल्कुल ही जला देना है, गैस का फ्लेम हम तेज कर दिए हैं, और इसको बिल्कुल ही हमें सूखा बना देना है ताकि फिलिंग भरने में आसान रहे, गीला फिलिंग नहीं भर सकते हैं, इस वजह से इसको बिल्कुल सूखा बनाए, और देखिए हमारा ये फिलिंग सूख गया है, तो हम इसको ठंडा कर देते हैं, ये देखिए इधर से रखे हैं, जिस इस तरह से बंद होना चाहिए एक तरफ से, तभी आपकी फिलिंग बढ़िया होगी, और देखिए इस तरह से हम भर देंगे, अगर दोनों तरफ से हम काट देंगे तो फिलिंग भरने में दिक्कत हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से हम इसको भर देते हैं, और ज़्यादा नहीं भरें, बस जितना आ सके उतना आराम से भरें, ताकि हम जब हम इसको तवे पर फ्राई करते हैं तो इसमें से मसाला बाहर निकल जाता है अगर ज़्यादा रखते हैं तो इसको कम कम ही भरना होता है। ये देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, और थोड़ा कम रहे तो और बढ़िया है, और इसी तरह से हम सारे चिचिंडा को भर देंगे। अगर ये वीडियो आप हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। ये देखिए बढ़िया से इसी तरह से हम प्लेन प्लेन करके भर देंगे सबको। ये देखिए हमारा सारा चिचिंडा भर के तैयार हो गया है, अब इसको हम फ्राई करने के लिए ले चल रहे हैं, तवा पे फ्राई करेंगे इसको, अब थोड़ा बना रहे हैं तो घर के तवे पे आराम से फ्राई हो जाएगा ये, और खाने में बहुत टेस्टी होता है, इसको आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारा 2.5 किलो चिचिंडा है, और उसके लिए हमने इतना सामान इसमें डाला है, देखिए एक तवा ले लिए हम, तवा पे इसको सजा देंगे, तवा को हमने लो फ्लेम पे अभी जला रखा है ताकि तवा, गैस को हमने लो फ्लेम पे जला रखा है ताकि ये तवा हमारा ज़्यादा गर्म नहीं हो, और इस पर हल्का हल्का हम तेल डाल के इसको हल्का हल्का पकाएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो अपलोड करें, और जो भी आप वीडियो का रिक्वेस्ट करेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम अपलोड करें। आप चाहे तो यहाँ सरसों तेल से फ्राई कर सकते हैं और रिफाइन ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, और इसको बीच जहाँ आपका फ्लेम ज़्यादा जल रहा है वहाँ पे आप उलटी पलटी जल्दी करें, और जो आपका पक जाता है उसको एक तरफ किनारे पर निकाल कर रखें। ये देखिए बीच का जगह मैम जहाँ पे हमारी ये पलटा लगा हुआ है बीच का जगह है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा हीट आता है, बाकी इधर उधर कम हीट आता है, तो इसको हम वहाँ से हिलाते रहेंगे उस चीज़ को कि ताकि एक ही सिरा पके। ये देखिए एक सिरा पक गया है, तो इसको हम पलट दिए हैं, फिर दूसरा सिरा की तरफ किए हैं, इसमें टाइम लगेगा लगभग आधा घंटा लगेगा हमें इसको बनाने में, क्योंकि हम गैस का फ्लेम तेज़ नहीं कर सकते, अगर तेज़ करेंगे तो जल जाएगा, तो इसको लो टू मीडियम गैस पे ही पलटते रहेंगे, और जो पक जाएगा उसको किनारी कर देंगे, और बीच बीच में हम पकाते रहेंगे। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, सबसे हेल्दी सब्जी है ये, इसमें भी किसी तरह का यूरिया केमिकल नहीं डालते हैं।
ये देखिए हम जहाँ जो पक जा रहा है पीस को हम इसको निकाल निकाल के किनारे रखते हैं, क्योंकि किनारे कम हीट लगता है और बीच में ज़्यादा हीट होता है। इसी तरह से हम इसको अलटर पलट के बढ़िया से हम पका लेंगे इसको, ताकि आपको भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है पकने के बाद। अभी जो हार्ड है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप इसको आसानी से रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। ये देखिए हमारा चिचिंडा बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप खाएं और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका कैसा बना। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।